रेडी रेडी स्टार्ट। गांधी और दूसरे नेताओं ने कोशिश की कि धर्मनिरपेक्ष नेताओं के विरोध में कट्टरपंथियों का वोट उन्हें मिलेगा, इसलिए उस समय के धर्मनिरपेक्ष नेता जिन्ना को छोड़कर गांधी जी ने अली भाइयों को गले लगाया। यह एक सिद्धांत विरोध बात थी। मुश्किल यह है कि आज भी हम इसी परंपरा पर चल रहे हैं। सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ के पुनर्निर्माण के समय सक्रिय भाग लेना इसी परंपरा का निर्वाह था। इसी परंपरा को बनाए हुए हैं महाराष्ट्र की सरकार, जब वह हिंदुओं को धार्मिक स्थलों के लिए दान की घोषणा करती है। आज भी इन स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य वे लोग ही कर रहे हैं जिन्हें धर्मनिरपेक्षता और हमारी सांस्कृतिक परंपरा पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक साधारण टैक्स देने वाला इन मुद्दों के लिए कष्ट क्यों पाए? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा बोझ क्यों डाले जाए किसी पर? दूसरी तरफ इन गड़बड़ियों के पीछे यह भी एक कारण है कि सभी धर्मावलंबियों के लिए एक से सामाजिक कानून कायदे नहीं है। हमने संविधान में छुआछूत हटाने का संकल्प लिया, इसी तरह हमें संकल्प लेना चाहिए था कि भारत के नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले हो, एक ही कानून का पालन करेंगे, चाहे वह शादी संबंधी हो, उत्तराधिकार संबंधी हो या संपत्ति संबंधी। सभी के लिए कानून एक से बनाए जाने चाहिए। हमने उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करने की ठानी। जब संसद उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए साहबानों के मामले में हस्तक्षेप किया, तब सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई और यह नीति पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता विरोधी थी। कल्याण कालवी जैसे नेता जब सती प्रथा का समर्थन करते हैं तब हम धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हैं। साहबानों के मामले में कट्टरपंथियों के सामने हथियार डालकर और फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण की मांग के समय हमारे नेताओं ने जरा भी सैद्धांतिक दृढ़ता नहीं दिखाई। इससे उनका स्थिर चरित्र ही उजागर होता है। सुना जाता है कि जनता दल शाही इमाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, जिससे मुसलमानों के वोट उन्हें मिल सकें। ऐसा करके जनता दल अपने को कांग्रेस के समकक्ष रख रहा है, जिसने इसलिए साहबानों के मामले में कट्टरपंथियों के सामने सिर झुका दिया था। विशुद्ध धर्मनिरपेक्षता का रास्ता कट्टरपंथियों के सामने हथियार डालने से प्रशस्त नहीं होगा, बल्कि हमें एक दृढ़ नीति अपनानी होगी। कम से कम वामपंथियों से तो उम्मीद की जाती है कि वो कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो साफ स्पष्ट होगा और जो हमें धार्मिक उन्माद के रास्ते से बचाए रखेगा। प्रभु।